जब हम लोग स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास, हम लोगों ने क्लस्टरिंग कोफिशिएंट की बात की थी, और क्लस्टरिंग कोफिशिएंट की जब हम लोगों ने बात की थी, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें ट्राइंगल्स मिलेंगे लोकल लेवल के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम लोग स्मॉलेस्ट लेवल पे रहते हुए देखें कि नोड्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, तो उसको, उन पैटर्न्स को हम लोग मोटिफ्स कह सकते हैं, ठीक है। मोटिफ इज नॉट स्पेसिफिक टू नेटवर्क्स, आपके पास ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको दूसरी डोमेन्स के अंदर भी मिलेगी, लेकिन जब हम लोग स्पेसिफिकली नेटवर्क के अंदर मोटिफ्स की हम लोग बात करते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल स्ट्रक्चर, लोकल स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इन अ नेटवर्क, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग फिर नोड स्पेसिफिक बात नहीं करते, हम लोग जो है वो पैटर्न स्पेसिफिक बात करते हैं। जिस तरह अगर आपके पास जो है वो ये एक नेटवर्क गिवन है, आप इसके अंदर देखना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न आपके पास एग्जिस्ट करता है या नहीं। वो पर्टिकुलर पैटर्न किस तरह हो सकता है कि आपके पास एक नोड है, उसके दो आउटवर्ड एजेस हैं, जिस तरह ए जो है वो उसका बी बी से की तरफ भी एज है और सी की तरफ भी एज है, ठीक है। और फिर उन दोनों नोड्स में से एक नोड जो है वो दूसरे से कनेक्टेड है, नॉट अदर वे अराउंड, मतलब जैसे सी से बी की तरफ एज है, तो ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है। और ये मोटिफ्स इस तरीके से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको हम लोग इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वुड बी द सेम मोटिफ। तो वी आर नॉट लाइक लुकिंग एट द नोड्स एग्जैक्टली कि हमारे पास नोड्स कौन सी हैं, हम लोग बस पैटर्न को देख रहे होते हैं। तो दीज टू मोटिव्स आर बेसिकली इक्वल, ठीक है, मतलब एक दूसरे का जो मिरर है, क्योंकि नेटवर्क के परस्पेक्टिव से देखें तो आपका सेम है। हाँ, लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि जी ये मोटिव इक्वल है, तो अब ये मोटिव्स इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपके पास यहाँ से इस नोड से इसकी तरफ भी एज जा रहा है और इससे इसकी तरफ भी एज जा रहा है, तो ये दो मोटिव्स जो है ये अब इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो मोटिव्स कैन बी लाइक यू कैन लुक कंसीडर देम एज मिरर्ड नेटवर्क्स एज वेल, बट द आइडिया इज टू फाइंड अ पर्टिकुलर पैटर्न। तो अब अगर हम लोग ये पर्टिकुलर पैटर्न देखें, तो ये हमारे पास इस ग्राफ के अंदर ये पैटर्न हम लोग देखते हैं कि हमें मिलता है या नहीं मिलता, अगर मिलता है तो कितनी मात्रा मिलता है हमें। तो इसको अगर हम लोग देखें, तो हमें ये पैटर्न जो है इस नेटवर्क के अंदर, इस छोटे से नेटवर्क के अंदर 5 मरतबा हमें ये पैटर्न मिल रहा है। जिस तरह ये पहली मरतबा हमें पैटर्न मिल रहा है कि नोड 1 जो है वो नोड 2 से कनेक्टेड है, नोड 1 नोड 3 से कनेक्टेड है, और नोड 2 नोड 3 से कनेक्टेड है, तो एक पैटर्न ये हो गया। इसी तरह का पैटर्न हमें ये भी मिल रहा है, इसी तरह का पैटर्न ये भी मिल रहा है, इसी तरह का पैटर्न ये भी मिल रहा है, और इसी तरह का पैटर्न हमें ये भी मिल रहा है। तो हमें ये जो है वो 5 पैटर्न जो है वो इस छोटे से नेटवर्क में इस पर्टिकुलर मोटिव के हमें 5 अक्रेंसेज जो है वो मिल रही हैं, ठीक है। तो दिस इज मोटिव। मोटिव्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पे हम लोग आते हैं, लेकिन ये बात आपने उससे पहले याद रखनी है कि मोटिव्स के लिए आपके पास नंबर ऑफ नोड्स आप स्पेसिफाई कर देंगे, और उसके अंदर फिर आप सर्टेन पैटर्न्स को ढूंढेंगे। जिस तरह अगर आप 3 नोड्स लेते हैं, तो 3 नोड्स के अंदर आपके पास मैक्सिमम जो है वो आपके पास 13 मोटिव्स जो हैं वो पॉसिबल हैं, ठीक है। 3 नोड्स के अगर आप डायरेक्टेड 3 नोड्स हों, तो आपके पास उसके अंदर मैक्सिमम जो है वो 13 कम्बिनेशन आपके पास बन सकते हैं नोड्स के। जिस तरह ये नोड, ये आप देख सकते हैं कि ये एक पैटर्न है, ये नोड इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है, ये एक और पैटर्न है जिसके अंदर ये नोड इससे कनेक्टेड है, ये नोड इससे कनेक्टेड है। तो इस तरह करके आपके पास टोटल 3 नोड्स के अगर आप सारे के सारे मोटिव्स भी ले लें, तो आपके पास 13 मोटिव्स जो हैं वो बनेंगे। एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी विच ऑफ दीज मोटिव्स एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर नेटवर्क। लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो बढ़ाते जाएंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ मोटिव्स जो हैं वो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन जो हैं वो आपके पास इंक्रीज करते जाएंगे। जिस तरह अगर आप जो है वो 4 नोड मोटिव्स की बात करें, तो ये अब आपके पास देखें, जस्ट 3 नोड से 4 नोड्स होने पर आपके पास मोटिव्स कितने चले गए, हंड्रेड्स में आपके पास जो है वो मोटिव्स जो हैं वो चले गए, ठीक है। तो आपके पास जो है वो इतने ज़्यादा मोटिव्स हैं 4 नोड्स के, ठीक है। तो यू कैन डू दैट, लेकिन ये आपने अपने जहन में रखना है कि जितना आप जो है वो नंबर ऑफ नोड्स को इंक्रीज करेंगे, उतने आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल मोटिव्स जो हैं वो आपके पास कनेक्टेड मोटिव्स जो हैं वो आपके पास इंक्रीज हो जाएंगे। मोटिव्स हमें रियल लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये हमें एक्चुअली रियल लाइफ में लोकली जो नोड्स कनेक्टेड होती हैं उनके लोकल स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास जो रियल लाइफ में, एक तो हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं, एक हमें जो है वो रियल लाइफ के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं
उसके अंदर हमें ये पैटर्न मिलता है कि तीन जो न्यूरॉन्स हैं ये हमें पैटर्न बहुत कॉमन मिलता है कि उसके अंदर एक न्यूरॉन दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा न्यूरॉन तीसरे से कनेक्टेड है, और फिर पहला न्यूरॉन जो है वो भी तीसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमें रियल लाइफ के अंदर हमें जो है वो ये बहुत कॉमन न्यूरल नेटवर्क के अंदर ये पैटर्न हमें बहुत कॉमन मिलता है। तो इसके लिए हम लोग फिर बायोलॉजिकल रीजनिंग दे सकते हैं कि इसकी क्या रीज़न हो सकती है कि हमारे पास एक्स और जी जो है वो इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड है और फिर डायरेक्टली भी कनेक्टेड है ये न्यूरॉन्स। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास जो जीन कंट्रोल नेटवर्क्स होते हैं उसके अंदर हमें ये मोटिव बहुत कॉमन मिलता है कि एक नोड जो है वो हमारे पास दो नोड से जो है वो कनेक्टेड है। इसी तरह अगर हम लोग फोर नोड मोटिव्स की बात करें, जो फूड वेब्स होते हैं उसके अंदर हमें ये मोटिव जो है वो हमें बहुत कॉमन मिलता है। ठीक है, ये मोटिव हमारे पास किस तरह है, जिस तरह एक एनिमल है या एक लिविंग बीइंग है वो हमारे पास मल्टीपल लिविंग बीइंग्स को जो है वो कंज्यूम कर रही है। ठीक है, या इस पर्टिकुलर मोटिव की बात करें तो दो लिविंग बीइंग्स को जो है वो ये कंज्यूम कर रही है, और फिर वो जो दो लिविंग बीइंग्स हैं वो किसी एक लिविंग बीइंग को जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो फूड वेब्स के अंदर हमें इस तरह के काइंड ऑफ ये डायमंड टाइप जो फोर नोड्स के मोटिव्स की बात करें तो फूड वेब्स के अंदर हमें ये मोटिव्स हैं वो हमें बहुत कॉमन मिलेंगे। ठीक है, ये मोटिव का बेसिक आइडिया हो गया आप लोगों को कि मोटिव होते क्या हैं। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स इन अ पर्टिकुलर नेटवर्क। जी, इन केस हमें कोई नेटवर्क दिया है तो साथ में उस नेटवर्क का प्री डिफाइंड मोटिव्स भी हमें दिए होंगे कि आपने इस नेटवर्क में ये मोटिव डिफाइन करने के नहीं, जैसे नहीं, इस केस में कुछ होगा ये कि हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ मोटिव्स जो होते हैं, एक तो हम लोग नोड्स डिफाइन करेंगे कि हम लोग थ्री नोड मोटिव्स की बात कर रहे हैं या फोर नोड मोटिव्स की बात कर रहे हैं, फाइव नोड की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग लेट्स से थ्री नोड मोटिव्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो पॉसिबल एक डायरेक्टेड कनेक्टेड थ्री नोड मोटिव हो सकता है वो 13 कॉम्बिनेशंस बनते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब वो 13 पैटर्न्स को हम लोग सर्च करेंगे कि हमारे पास रियल लाइफ नेटवर्क में वो कितनी मरतबा वो पैटर्न एक्जिस्ट कर रहा है ईच ऑफ देम, और उसमें से जो सिग्निफिकेंट होंगे उन्हें हम लोग नोट डाउन कर लेंगे कि ये मोटिव्स जो हैं ये इसके अंदर सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, ओके सर, समझ गया।